कर्नाटक में हम्पी के ये खूबसूरत खंडहर विश्व विख्यात विजयनगर साम्राज्य के वैभव का मौन प्रमाण है। सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल में संगीत साहित्य आदि कलाओं के विकास में चार चांद लगे हैं। तेनाली रामकृष्ण इस स्वर्ण युग के एक जाने माने हास्य कवि थे। ये धारावाहिक इतिहास का प्रतिबिंब नहीं है, परंतु श्रीमती कमला लक्ष्मण द्वारा रचित कुछ कहानियों का काल्पनिक रूप है। चरणनि त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते या कुन्येन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र प्रस्तावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभुतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा हे भगवान, ये क्या? सिवाय राम के ही करतूत और कोई नहीं कर सकता। सब भिगो दिया। पर उस बेचारे को भी क्या पता था कि रात में पानी बरसेगा। तू रामा, ओ रामा, यहाँ क्यों सो रहा है? रात में गर्मी थी तो बाहर आ गया। तो जब पानी बरसा अंदर क्यों नहीं गया? नींद लगी थी माँ, ऐसे में उठते नहीं बनता। हे भगवान, अभी इसका ये हाल है, आगे अच्छा चल उठ, चल चल नदी पर जा। तू फिर लेट गया? रामा रामा चल चल नदी पर जा, चल आज भी कहीं का जा। हाँ तू फिर सो गया? रामा ये रामा रामा जा नदी पर जा, जा। रामा तू अभी तक गए नहीं? भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे। पहले नदी पर जा, बाद में दूंगी। पहले खाने को दे तो जाऊंगा। लगता है तू बड़ा होकर रिश्वतखोर बनेगा या फिर गधे चराएगा, गधे। जा बगल से शांति दीदी से मट्ठा ले जा। क्यों? रात की रोटी रखी है, मट्ठे के साथ खा लेना बेटा। घर में और कुछ नहीं है माँ? नहीं है बेटे, तभी तो बोल रही हूँ, जा। तो रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अच्छा नहीं है तो नहीं, पर उठ नदी पर होकर आ, जा। जाता कि नहीं? और सुन, नहा के सीधा घर चले आना, हमेशा की तरह कहीं सो मत जाना, जा। ॐ कामाक्षी ॐ कामाक्षी ॐ कामाक्षी ॐ कामाक्षी। क्या देख रहे हो? जाओ चले जाओ यहां से। सुनते नहीं हो? रुको अभी आता हूं। रामा
यहाँ फिर लेट गया? चलो उठ उठ, पहले स्नान कर ले, हमेशा सोता ही रहता है। आज पहले नहा लो फिर बताती हूँ, जब देखो सोते ही रहता सोते ही रहता। क्यों रे, पिछले जन्म में कुंभकर्ण था क्या? हाँ रामा, अरे ओ रामा, कहाँ गया होगा? रामा रामा, चलो चल पाछा लगा, चल कुछ खाने के लिए दो तो जाऊंगा। हाँ क्यों रे, कंबल गाय खा रही है, मुझे हाथे नहीं बनता, सीधे फूट गए हैं क्या? दादा मानी नहीं, उसे भूख लगी होगी, चारा दो ना। नहीं दूंगी, बाहर में जा तू भी और ये भी। माँ भूख लगी है। देख लेना, तू तू केवल गधे चराएगा, गधे। मैं समझ गई, तू तू और कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ले खा और पाछा ले जा। अम्मा छील के दो ना। हाँ तू तू केला तक नहीं छील सकता? हाँ ले। अभी तक खाए नहीं? अच्छा लातों के भूत बातों से मानते नहीं कभी, अभी बताती हूँ। बस तू ऐसे ही लेटे रहना, हटना नहीं। रामा बस अभी आती हूँ। हे भगवान, क्या ये उम्र भर ऐसे ही अलसी रहेगा? क्या होगा इसका? खैर अभी बताती हूँ, तुम्हारी हड्डी पसली न। केला कहाँ है? खा लिया। अच्छा अच्छा चल बेटा चल पाठशाला। छिलका कहाँ है? छिलके के साथ खा लिया। क्या तूने छीला ही नहीं तो और क्या करता? बाप रे, केले के साथ छिलका भी खा लिया? तू कभी सुधरेगा नहीं, तू कभी सुधरेगा नहीं। चल चल उठ उठ, मेरी भी मती मारी गई जो केला छील के नहीं दिया। ले और सुन, आज पाठशाला नहीं गया तो घर में खाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, चल जा। हे भगवान, ऐसा आलसी जिंदगी में क्या बनेगा, क्या बनेगा? तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिरिका नौ, तीन चौको बारह। हाँ अभ्यास करो, तीन दूनी हाँ, तीन तीन पाँची पंद्रह, तीन पाँची पंद्रह, तीन चंग अठारह, तीन चंग अठारह, तीन सत्ते इक्कीस, तीन सत्ते इक्कीस, तीन आठे चौबीस, तीन आठे चौबीस, तीन नवा सत्ताईस, तीन नवा सत्ताईस, तीन दाहम तीस, तीन दाहम तीस, तीन एकम तीस, तीन दूनी छह, आप क्या देख रहे थे? जी मकड़ी देख रहा था। देख रहे थे? आप पाठशाला आए कब थे? जी अभी अभी आया। और आते ही मकड़ी देखने लगे? ना तो दूसरों को पढ़ने देते हो और ना स्वयं पढ़ते हो। घर जाओ और जब पढ़ने का मन हो तब आना।
आलसी कहीं का। हाँ, तीन कम तीन, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी चिंता करती है और तुम यहाँ बैठे क्या करते रहते हो? जी कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। जाओ इससे तो चलो। तुम काली मत। हाँ? जाओ जाओ। और सुन, आज पाठशाला नहीं गया तो घर में खाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चल जा। प्रसाद खा लूं? आप भी खाएंगे? जैसी आपकी इच्छा। बाद में ये नहीं कहना कि मैंने सब खा लिया। हाँ बस माँ, पेट भर गया। रहे हो? कुछ नहीं देवी माँ। क्या हो गया है तुमको?
हंस क्यों रहे हो? मेरे बाल संभालने के लिए मेरी माँ सारा दिन परेशान रहती है। और तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरे तो एक ही सर है, आपके बाल संभालने के लिए आपकी माँ को कितने झंझट उठाने पड़ते होंगे, है ना? हमारी माँ की छोड़ो, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों नहीं कर सकते? वो तो हमेशा डांटती ही रहती है। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत गुस्से वाली देवी हो, पर तुम तो गुस्सा करती ही नहीं। और एक मेरी माँ है। पिता, अपनी माँ से अच्छी कभी भी दूसरे की माँ हो ही नहीं सकती। अच्छा, जब आपके इतने सारे सरों में दर्द होता होगा तब तो बहुत दुखता होगा, है ना? तुम बहुत नटखट हो, पर तुम हो कौन? इस समय मेरे पास क्यों आए हो? मेरा नाम रामकृष्ण है। मुझे नदी वाले गुरुजी ने यहाँ भेजा है कि आप मुझे वरदान देंगी। देंगी ना? हाँ हाँ। ये दोनों कटोरी देखो, अब तुम्हें धन चाहिए तो ये दूध पी लो, और यदि ज्ञान चाहिए तो ये शहद पी लो। बोलो बच्चे, क्या चाहिए? ले लो बेटे। ले लो मेरे बच्चे। तथास्तु रामकृष्ण, तुम्हें धन और ज्ञान दोनों का वरदान देती हूँ। तुम बहुत चतुर हो, नटखट। रामा, रामा, ये कहाँ सोता है कुछ पता ही नहीं चलता। रामा, 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 रामा। ईश्वर बड़ा दयालु है रामा की माँ, नहीं तो इतना बड़ा चमत्कार कैसे होता? क्या चमत्कार गुरुजी? तू पूछ रही हो? अरे घर जाकर तो देखो, आज राम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चला गया। मुझे लगता है घर पे ही होगा। ओम नमः शिवाय। गलध्यान गंडम निलद्रुंग कंडम चलचारु शुंडम बहद्रोण शुंडम रसदंत कांडम विपद्भंग चंडम शिव प्रेम पिंडम भजे वक्रतुंडम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ, भूख लगी है। क्या देख रही हो माँ? नहीं, तू मेरा रामा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोल बेटे, बोल। क्या तू सचमुच मेरा रामा है? सचमुच मेरा रामा है? माँ, खाना दे दो ना। हाँ, अभी देती हूँ मेरे बच्चे, अभी देती हूँ, बस अभी लाए। यूं गई
और यूं आए। क्यों रे, अचानक तो इतना बदल कैसे गया रे? बदल नहीं गया अम्मा। तो फिर ये देखो अम्मा, ये सब दिखाई पड़ता है ना? हाँ दिखाई पड़ता है। अब कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ वही तो, जो सारी सृष्टि पहले नहीं दिखती थी अब दिखने लगी, समझ गई ना? जा छिलका डाल दे उधर। नहीं माँ, कार को देकर आता हूँ। तू ये ले, कल ज्यादा दूध देना। हाँ ये भी खा ले। हाँ अब कंबल नहीं खाना, माँ मारेगी। दोस्तों साहिल एसएच को सब्सक्राइब कर लें पूरे एपिसोड के लिए। दोस्तों और एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। साहिल सच।